आनंद महिंद्रा, जो एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ देश के लिए भी सोचते हैं, भारतीय सेना के लिए भी सोचते हैं और गरीब असहाय लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग वीडियोस पोस्ट करने वाले आनंद महिंद्रा को इस बार एक ट्वीट इतना पसंद आ गया कि इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार से भी खास रिक्वेस्ट कर डाली। दरअसल नॉर्वे के डिप्लोमैट एरिक सोलहेम ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शानदार हरियाली के बीच से हाईवे गुजरता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आनंद महिंद्रा के दिल को छू गई, जिसे उन्होंने रीट्वीट करते हुए मोदी सरकार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी इसी तरह की सड़कें बनाने की अपील कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये विकास और प्रकृति के एक साथ होने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या भारत में भी कोई भी हाईवे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जा सकता है? अगर नितिन गडकरी ऐसा करते हैं तो वो मंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, यानी परिवहन मंत्री के लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। आनंद महिंद्रा के ट्वीट करते ही कुछ ही देर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट किया, आनंद महिंद्रा जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे इनोवेशन का ध्यान रखने की जरूरत है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना होगा। हमने NH 44 पर सियोनी, मध्य प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र के बीच में एक एनिमल कॉरिडोर विकसित करने का प्रयास किया है, जिसके हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। आगे भी हम मनुष्य और जानवर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। नितिन गडकरी से मिले जवाब के लिए आनंद महिंद्रा ने उन्हें धन्यवाद भी कहा। नॉर्वे के डिप्लोमैट एरिक सोलहेम की जो तस्वीर आनंद महिंद्रा और नितिन गडकरी के बीच बातचीत का मुद्दा बनी, ये तस्वीर नीदरलैंड के एक ब्रिज की है जिसे इकोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि यह सड़क के दोनों तरफ के जंगल को एक दूसरे से जोड़ता है। इससे जंगल के जीव जंतु बिना अपनी जान खतरे में डाले ब्रिज से सड़क पार कर लेते हैं। जानवरों को प्राकृतिक अनुभव हो, इसका भी खास ख्याल रखते हुए ब्रिज पर भी हरियाली बिछाई गई है, यानी हरे भरे पेड़ पौधे और घास लगाई गई है। इस तरह से जंगली जीव जंतुओं और इंसान दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती है।